देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लोकेशन है, और नजारे देख के ना मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के ब्लॉग में कुछ नया होने वाला है, कुछ फ्रेश होने वाला है, क्योंकि आज ये कंप्लीट ब्लॉग मोटो ब्लॉग होने वाला है। इसी बीच रास्ते में पड़ती एक बहुत स्पेशल वैली जो कि मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो मैं सोच रहा हूँ आज आप लोगों को भी इसके दर्शन करवा दूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रोला की तरफ और उसी वैली के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं आज, जिसे कि उत्तराखंड का राइस बाउल भी कहा जाता है, यानी कि धान का कटोरा है प्रोला घाटी। जो रेड राइस होते हैं वो दोस्तों यही पैदा होते हैं प्रोला वैली में। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतनी प्यारी सी लोकेशन में जो चावल हो रहे हैं तो उनमें कुछ वैरायटी होना तो बनता है। तो दोस्तों देखो, आगे सामने आ चुकी है प्रोला वैली, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लोकेशन है, इस सामने नदी पर पुल बना हुआ, वाव क्या ही बात है इस नज़ारों की, वाह। ये स्कूल बस जा रही है, बहुत शानदार व्यू। इस सामने गांव देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस टाइम इसमें चावल की ही बुआई हो रही है, रुपाई जो भी कहते हैं। और धीरे धीरे आगे भी और अच्छे व्यू हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी है ये वैली, लगभग 12-15 किलोमीटर तो है। आगे और भी अच्छे अच्छे नज़ारे आने वाले हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी आपको कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए चलते हैं दोस्तों यहाँ से। क्या नज़ारे हैं दोस्तों, वाह मजा आ गया। अभी पिछले दिनों दोस्तों यहाँ पे प्रोला में बादल फटने की घटना हुई है, जिस वजह से देख सकते हैं आप कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। इसी ऊपर साइड का ही बादल फटा है, जिस वजह से नाले का स्तर ज़्यादा होने की वजह से रोड जगह जगह से टूटी हुई है। और दोस्तों जिस वैली की मैं बात कर रहा था अभी आपसे, वो शहर के बाद, ये शहर है थोड़ा सा उस साइड है जो भी है कंप्लीट, और उसके बाद थोड़ा सा घाटी और भी है ऊपर, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू हैं तो वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। क्या ही नज़ारे हैं दोस्तों, आजकल बरसात बात देख रहे हैं, हरियाली ही हरियाली। और जो बाइक राइड करने का मज़ा आ रहा है ना ऐसे मौसम में, क्या बात है, बस बारिश ना हो। पर नज़ारे देख के ना मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ। टोटली लॉस्ट। सुंदर सी प्लेस में दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं, ये आप कंप्लीट देख रहे हैं। देखो सारे खेतों में लगभग इन्होंने चावल उगाया हुआ है, और पानी की पूर्ति ये नदी करती है यहाँ पे। और कंप्लीट रेड राइस यहाँ पे उगाया जाता है, मेन पैदावार उत्तराखंड की हिस्सा होती है लाल चावल की, काफ़ी फेमस है लाल चावल, पौष्टिक होता है खाने में और सख्त होता है आम चावल से, लेकिन पकाने में उसको उतना ही टाइम लगता है जितना आप नॉर्मल वाले चावल को, मतलब जितना टाइम उसको लगता है पकने में। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों व्यूज़ कितने प्यारे हैं, इस टाइम बरसात का मौसम है तो व्यूज़ और भी अच्छे लग रहे हैं कि ग्रीनरी जो है हो रही है इस टाइम पे, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, वाह। यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं आप रोड कितनी ख़राब हो रखी है, बिल्कुल जर्जर हालत में, पर नज़ारे तो भाई नज़ारे हैं, क्या मज़ा आ रही है। ये बैठे हैं अपने कुछ पशु, लगता है इन्हें भी मज़ा आ रहा है इन नज़ारों में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक और नज़ारे थोड़ा सा, आप पेड़ भी आ रहे,
यहाँ पे लग यहाँ तक लगभग ये वैली है, ये आप देख सकते हैं कितनी हरियाली और खेत, चावल ही चावल, चारों तरफ चावल।